हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने वापस से एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ। वही अपनी क्लास जो चलती है 9 बजे, सुबह 9 बजे, 1 मिनट वन कंसेप्ट की क्लास। उसमें मैं आपके सामने दो नए क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा सभी लोग। SSL, क्या? शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा। आप सभी को मजा आएगा क्लास में। केवल केवल आपका मैं 1 से 2 मिनट का समय लूंगी और आपको एक नई चीज सिखा के जाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल की अपनी। सवाल है, एक छात्र एक कक्षा को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। एक छात्र एक संख्या को करता है तो उसकी गणना में कितनी प्रतिशत की छूट त्रुटि हुई, मतलब आपका एरर बताना है। क्या बताना है? आपका एरर आपको निकालना है। देखो, छात्र को मल्टीप्लाई करना था किससे? 5/3 से, लेकिन उसने कर दिया किससे? 3/5 से। जब भी आपका इस टाइप का सवाल आए, तब से पहले आप क्या करोगे? 3 और 5, जो आपका डिनोमिनेटर है 3 और 5, उसका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम इनका? 15 एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या है, जो फ्रैक्शन में जो कुछ दे रखा होता है वो हमें पसंद नहीं आता। हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू निकाली। 5/3 को मल्टीप्लाई किया 15 से, 3/5 को किया हमने मल्टीप्लाई 15 से। 3 5 जा 25 और 5 3 जा 15, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई किससे करना था? 5/3 से करना था, ये आपका राइट था। लेकिन कर किससे दिया? इससे कर दिया, ये रॉन्ग था। तो राइट माइनस रॉन्ग अपॉन का राइट इंटू का 100, कितनी गलती हुई? 25 माइनस का 15, 3 सॉरी 3 से 9 है, सॉरी 9 है ये। 25 माइनस का 9 अपॉन का 25 इंटू का 100 कितना हो जाएगा आपका? निकाल लीजिए, 16 अपॉन का 25 इंटू का 100, 64%। कितना हो जाएगा? 64% आपका बिल्कुल सही जवाब है। कितना हो गया आंसर? 64। क्लियर हो गया हो सभी को आंसर? 64। सिंपल, क्या किया? इन दोनों वैल्यूज को पकड़ा, दोनों के एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया। जो वैल्यू आई, राइट ये था, रॉन्ग ये था। मल्टीप्लाई करना इससे था, कर इससे दिया। राइट माइनस रॉन्ग अपॉन का राइट इंटू का 100, इसको अप्लाई किया और आपने निकाल लिया कि एरर कितना आया। पहला सवाल आपका ये था। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपका क्लॉक का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक घड़ी की घंटे वाली सुई 4:30 पर उत्तर दिशा में है। 4:30 बजे एक घड़े की घंटे वाली सुई, ठीक है। तो 7 बजे की मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? क्लियर हो गया सवाल आपको? अब सवाल को जरा अच्छे से देखिएगा। अभी क्या है, मैं घड़ी बना रही हूँ, ठीक है। घड़ी में ये आपके 12 बज गए, ये आपके 6 बज गए, ये आपके 3 बज गए, ये आपके 9 बज गए, ठीक है। अभी बज रहा है आपका 4:30, मतलब 3:15। एक घर सुई यहाँ पे है आपकी और एक सुई आपकी यहाँ पे है, ठीक है। 4:30 बज रहे हैं, ये है, ये आपकी मिनट की सुई है और ये आपकी घंटे की सुई होगी, ठीक है। 4:30 बज रही है, पर ऐसा बोला जा रहा है कि घंटे की सुई यहाँ नहीं है, कहाँ पे है? आपकी उत्तर की ओर है। मतलब कितना एंगल मूव कर दिया? -90 +45 कितना हो गया? कितना हो गया? 145। 145 इसने पीछे मूव कर दिया, ठीक है, यहां से यहां पे। सेम इतना 45 और 90 मूव करेंगे। अब देखिएगा, अब कहां पे हम लोग, अब बज रहे हैं घड़ी में 7, ये रहा 6, ये रहा 3, ये रहा 9। घड़ी में बज रहे हैं आपके ये रहे 7, 7 बज रहे हैं, ये लीजिए 7 बजा दी हमने घड़ी के अंदर। तो बजाय मिनट की सुई, मिनट की सुई कौन सी दिशा शो करेगी? सेम वही करो, इसको भी आप घुमा दो घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में आप मूव कर दो इसको भी, विपरीत दिशा में मूव कर दीजिए। ये रही विपरीत दिशा, कौन सी जाए, कौन सी दिशा में ऐसे गए हैं, सेम ऐसे इसको मूव कर दीजिए। कितना? 90 + 45 इधर आ जाएगा। तो कौन सी दिशा हो गई ये? ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है। कितना हो गया? साउथ वेस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको सवाल? कैसे हुआ था सवाल, समझ में आया? इसमें हमने क्या किया,
यहां से यहां चले गए, माइनस का 90 प्लस 45 मूव किया, सेम ऐसे करो ना, 90 और 45 इसको इसी दिशा में मूव कर दो, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। आई होप आपको सवाल अच्छा लगा होगा, ये दोनों ही सवाल आपके एग्जाम लेवल के सवाल, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो आपसे, देखो अब आपके कहने पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाया इसलिए मैंने क्वेश्चन, अगर आपको अच्छे लगे हो सवाल तो आप सभी लोग शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा, ठीक है सभी लोग, कोई भी मिस नहीं करेगा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत जरूरी है, मात्र 2 मिनट में आपका एक नया सीख जाते हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।